हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल में मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आऊं। आई नो कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रही हूं, मेरे कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, कभी हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं, कभी फैमिली को टाइम देना होता है। और क्योंकि मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ, तो मुझे अपने फैमिली को टाइम देना पड़ता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन चलो, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँ। और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच। और मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करोगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डे टाइम में अगर आप डार्क आउटफिट पहनते हो तो आपको कैसा मेकअप लुक करना चाहिए और कितना ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, जो भी होगा आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। मैंने रिसेंटली ये मेकअप लुक किया था और मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अगर कहीं जाओगे डे टाइम में अगर आप डार्क आउटफिट पहनते हो तो आप कैसा लुक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने अभी अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैं सबसे पहले यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पर सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर वाओ का सनस्क्रीन लिया है, SPF 55 है ये। और अगर आप डे टाइम में कहीं बाहर जा रहे हो और अगर आपने सनस्क्रीन को स्किप कर दिया तो फिर आपकी जो स्किन की बैंड बचेगी उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए सनस्क्रीन को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लैक्मे का प्राइमर यूज करूंगी मेरे पोर्स को फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर गार्नियर का बीबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डे टाइम में मुझे फाउंडेशन लगाना उतना पसंद नहीं है, तो मैं कभी ओले लगा लेती हूँ, कभी गार्नियर बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। ये दोनों ही मुझे नेचुरल फिनिश देते हैं, मेरी स्किन को बिल्कुल नेचुरल लगता है। और डे टाइम के लिए ये सबसे परफेक्ट होता है। फाउंडेशन लगाना मतलब थोड़ा स्किन को थोड़ा ज़्यादा हैवीनेस देता है, तो मैं फाउंडेशन को स्किप कर देती हूँ। ठीक है, सो मैं आज इसी को यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। ये बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर कंसीलर यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर फिटमी का कंसीलर लिया है, मेरा शेड है 20 सेंट। अगर आपको अंडर आई एरिया में अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि स्किन कितना नेचुरल लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मुझे भी 2 और 1 3 पिंपल निकल आए हैं। भगवान ने थोड़े कम दे दिए, थोड़े और ज़्यादा दे देते तो इसलिए मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। और अंडर आई एरिया में भी मुझे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं इसको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट, मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए नाइका कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी। ठीक है, पूरे फेस पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं अपना फेस मेकअप बेस मेकअप जो है वो डूई रखना चाहती हूँ। इसकी वजह से मैं कोई भी पाउडर प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस अपने अंडर आई एरिया को ही बस मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया है, मैं इससे अपने आईब्रोज को फिल करूंगी।
सो नेक्स्ट हम यहाँ पर ब्लश अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर लिक्विड ब्लश का यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर लैक्मे का 9 to 5 मूज लिपस्टिक यूज़ किया है, जो लिप एंड चिक दोनों के लिए है, ठीक है, और मैं इसको यूज़ करूँगी। और इसके साथ मैं यहाँ पर स्ट्रोक क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का स्ट्रोक क्रीम लिया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत अच्छे से नेचुरल ग्लो आपको प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ले सकते हो। ये जो मैक वाला स्ट्रोक क्रीम है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेरे पास मैक का भी मिनी वाला है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसको इनके गैप में इस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं भी इस हैक को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर ये अच्छे से हो जाता है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ थोड़ा सा इस साइड में लगाना चाहिए। गाइज, आप खुद देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक बिल्कुल ड्यूई फिनिश लग रहा है। और इतनी अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, आपकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देख सकते हो। नाइस ना? ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर काजल यूज़ करेंगे अपने अपर वाटर लाइन पर। लोअर वाटर लाइन पर मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर ऊपर में लगाऊंगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मेबेलिन का कलोसर मस्कारा यूज़ करूँगी। आज मैं आई शेडो भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ और आई लाइनर भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ हम मस्कारा यूज़ करेंगे। क्योंकि जब भी मैं कभी जल्दी में बाहर जाती हूँ, मस्कारा ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ स्किप कर सकती हूँ लेकिन मस्कारा और लिपस्टिक कभी भी स्किप नहीं। सी द डिफरेंस, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें मस्कारा यूज़ किया है, इसमें नहीं किया है। एक मस्कारा अप्लाई करने से आपके फेस में कितना चेंजेस आ जाता है और आपका फेस कितना अच्छा लगने लग जाता है, आप खुद देख सकते हो। अब मैं अपना लिपस्टिक यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी लिप लाइनर की हेल्प से। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कलर का एक लिप लाइनर लिया है। लिप्स को भी मैं न्यूड रखने वाली हूँ, डे टाइम में ज़्यादा भड़कीला भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट मैं अपना लिपस्टिक यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर मेबेलिन का बुलेट लिपस्टिक लिया है, मेरा शेड है क्ले क्रश, और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करूँगी। अभी आप देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये लैक्मे का 9 to 5 मूज लिपस्टिक यूज़ करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा पिंक कलर है ये, पिंक फ्लश इसका शेड नंबर है।
सो गाइज हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कि कितने कम टाइम में हमने मेकअप अचीव कर लिया और कितने कम प्रोडक्ट भी हमने यूज़ किए हैं, कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, फिर भी इतना अच्छा मेकअप हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आउटफिट मैं अभी पहनूंगी ना, आप उसमें देखना कि ये लुक कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ ज्वेलरीज भी मैं उसमें ऐड करूँगी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, और अभी आप फुल लुक देखोगे, ठीक है। और आपको भी अगर कभी इंस्टेंट मेकअप करना है तो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस हैक को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने ब्लश के साथ यूज़ किया स्ट्रोक क्रीम, वो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी स्किन मतलब कैमरे में तो आपको जैसा दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, रियल में भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इस हैक को तो हर टाइम यूज़ करने वाली हूँ, हर डे टाइम में जब भी मैं बाहर जाने वाली हूँ तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। सो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जल्दी से मैं आपके सामने आती हूँ अपना आउटफिट पहन के। फाइनल लुक, और आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपको नए नए पिक्स मेरे देखने को मिलेंगे, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आज का पिक भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।